इन्वेस्टर्स जनरली ऐसी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो रेगुलरली एक्स्ट्रा इनकम कर सके Recently, कुछ ने आज हम आपको एक्सट डिविडेंट डेट वो डेट होती है जिसके एक दिन पहले तक अगर आप एक कंपनी के शेयर बाय करते हैं तभी आप उस कंपनी के डिविडें के लिए एलिजिबल होते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में और वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करेगा

स्टॉक्स को चुना है जिनका मार्केट कैप 2000 थाउजेंड करोड़ से ज्यादा है इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का डिविडेंड सबसे ज्यादा है, उसको हम एंड में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिविडेंड अलर्ट फर्स्ट कंपनी है अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से है जो 80 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस करती है इस कंपनी ने 6.3 पॉइंट रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट थर्टी ऑफ मार्च है यानी कि अगर आप ट्वेंटी ऑफ मार्च या उससे पहले इसके शेयर खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड का डिविडेंड यील टू तक बनता है कंपनी का पी रेशियो 20.32 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 11.83% परसेंट है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.11% परसेंट है पिछले पांच साल में कंपनी की सेल्स 7.59% परसेंट के रेट से कंपाउंड हुई है पिछले एक साल में कंपनी का शेयर पॉइंट बढ़ा है और पिछले पांच साल में कंपनी का शेयर फोर के रेट से कंपाउंड हुआ है सेकेंड नंबर पे है एसीसी लिमिटेड यह कंपनी सीमेंट और रेडी मिक्स कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में इन्वॉल्व है इस कंपनी ने फिफ्टी एट पर शेयर का डिविडेंड डिविडेंडिक्लेर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट ऑफ ऑफ अप्रैल अप्रैल है यानी कि अगर आप 3rd या उससे पहले इसके शेयर खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड का डिविडेंड टू पॉइंट तक बनता है कंपनी का पीई रेशियो ट्वेंटी है और डेट टू इक्विटी रेशियो पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक क्विटी 14.1% परसेंट है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.79% परसेंट है पिछले पांच साल में कंपनी की सेल्स 8.01% के रेट से कंपाउंड हुई है पिछले एक साल में कंपनी का शेयर 15.13% परसेंट बढ़ा है और पिछले पांच साल में कंपनी का शेयर 7.7% परसेंट के रेट से कंपाउंड हुआ है थर्ड कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड यह कंपनी मेनली नेचुरल गैस की ट्रेडिंग और पेट्रोकेमिकल्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है इस कंपनी ने फाइव रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च है यानी कि अगर आप ट्वेंटी उससे पहले इसके शेयर खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड का डिविडेंड येल थ्री तक बनता है कंपनी का पीई रेशियो 5.98 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.13 है प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 11.97 है इलेवन पॉइंट नाइन सेवन परसेंट है पिछले पांच साल में कंपनी की सेल्स 1.97 परसेंट के रेट से कंपाउंड हुई है पिछले एक साल में कंपनी का शेयर थ्री बढ़ा है और पिछले पांच साल में कंपनी का शेयर वन के रेट से कंपाउंड हुआ है तो ये थी वो तीन कंपनीज जिनकी एक्स डिविडेंट डेट पास आने वाली है और जिनका डिविडेंड ये

क्सेट्रा बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो आप जरूर उस चैनल को भी चेक करें हमने चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें बाय Investment in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares derivatives mutual fund and all other instruments traded on the stock exchanges